सीबीआई की दर्जनों टीमों ने 7 मार्च को देश के 67 ठिकानों पर छापेमारी की। यूको बैंक के 820 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में ये छापे मारे गए। ये पूरा मामला IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से की गई ट्रांजैक्शन के जरिए हेराफेरी से जुड़ा है। खुद यूको बैंक की तरफ से इस संबंध में सीबीआई को बीते साल शिकायत दी गई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए सीबीआई की विभिन्न टीमों ने 7 मार्च को छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। राजस्थान के जोधपुर सहित कई अलग अलग शहरों में सीबीआई की टीमें पहुंची और छापेमारी की गई। यूको बैंक का आरोप है कि 10 नवंबर 2023 से 13 नवंबर 2023 के बीच 4 दिनों के दौरान 7 अलग अलग प्राइवेट बैंकों के 14,600 अकाउंट से यूको बैंक के 41,000 अकाउंट्स में संदिग्ध पैसा ट्रांसफर किया गया। इन ट्रांजेक्शन के जरिए 820 करोड़ रुपए यूको बैंक के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए, जबकि सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार 7 निजी बैंकों के लगभग 14,600 खाता धारकों से शुरू किए गए IMPS आवक लेन देन को 41,000 से अधिक यूको बैंक खाता धारकों के खाते में गलत तरीके से पोस्ट किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 820 करोड़ रुपए मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना यूको बैंक खातों में जमा किए गए थे। राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर, फलोदी में छापेमारी हुई। वहीं महाराष्ट्र के पुणे सहित कई शहरों में सीबीआई की टीमें पहुंची। सीबीआई की टीमों में राजस्थान पुलिस के 120 सहित 330 से अधिक पुलिसकर्मी और 80 स्वतंत्र गवाह शामिल थे। सीबीआई के अनुसार इन ऑपरेशंस के दौरान यूको बैंक और IDFC से संबंधित लगभग 130 आपत्तिजनक दस्तावेज, साथ ही 43 डिजिटल डिवाइस जिनमें 40 मोबाइल फोन्स, 2 हार्ड डिस्क और 1 इंटरनेट डोंगल शामिल है, फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए जब्त किए गए थे। इसके अलावा 30 संदिग्धों को भी मौके पर पाया गया और उनकी जांच की गई।